और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। नमस्कार, सौराष्ट्र क्रांति में आपनुं स्वागत छे। भगवान राम मांसाहारी हता आवा निवेदन बाद एम कहेवाय ने कि सोशियल मीडिया में भारे हंगामो थयो, अने आ हंगामा बाद एम कहेवाय कि आ निवेदन आपनार एवा एनसीपीना नेता जितेंद्र आहाड पर कोई केस भी करी दीधो, परंतु મોટા પ્રમાણમાં હંગામો થતા બાદમાં એમ કહેવાય છે કે જીતેન્દ્ર આહાડે માફી માંગી લીધી અને એક કાર્યક્રમમાં એમને પોતાના તર્કો રજૂ કરતા સાથે સાથે વાત કરી અને માફી માંગી કે અને એને એવું કીધું કે આ નિવેદન જે મેં કાંઈ આપ્યું છે એ આખું તપાસ કરીને આપ્યું છે, પણ અત્યારે વાત ભાવનાઓની થાય છે, જેથી કોઈને પણ આનાથી ઠેસ પહોંચી હોય તો હું માફી માંગુ છું। આ નિવેદન બાદ રાજકીય માહોલ છે ને આખો ગરમાઈ ગયો હતો, રાજનીતિ એટલી ગરમાઈ કે જેને કારણે છે ને જીતેન્દ્ર આહાડે તરત સમજી અને આ પોતાના નિવેદન ઉપર માફી માંગી લીધી। તેમણે કહ્યું કે મારા નિવેદનથી કોઈની પણ ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચી હોય તો હું ખેદ વ્યક્ત કરું છું, હું કોઈની ભાવનાને ઠેસ પહોંચાડવા માંગતો નથી। તો આવા સમયે જ્યારે રામ મંદિર 22 તારીખે ખુલ્લું મૂકવાનું છે અને થવાનું છે, એ સમય પર આવું નિવેદન આવવું એ દેશમાં એમ કહેવાય ને કે અચાનક હંગામો મચાવી દીધો। આપણે જોઈએ કે શું હતી હકીકત અને શું કીધું જીતેન્દ્ર આહાડે, જોઈએ આ વિડિયો। દેખો મેં ઉસ ભૂમિકા કે બારે મેં બતા રહા હું કે મેને કોઈ ખુદ કી ભૂમિકા ઘર સે નહીં લાઈ થી, એ વાલ્મીકિ રામાયણ મેં જો લખ્યા હૈ ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है, कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया, 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है वो तो मैंने नहीं किया। तो श्लोक सही था धीरे वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बाला कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए, सभी रामायण पढ़ लीजिए आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है, लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इससे का मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ, शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है और ये मैंने लिखा है क्या। राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, सारे देश में राम लला की लहर है, ऐसा मुझे क्या कहते हैं इस वक्त ये बयान करना गलत नहीं था? ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है, इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मैं किसी के ही भावनाओं को ठेच नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आपके खिलाफ महाराष्ट्र, अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो, मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ एक जबान का आदमी हूँ और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ, बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है।